हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। आइए देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं विषय, यहां पर खेल कोटा अंतर्गत वन रक्षक पद पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशन हेतु यहां पर विज्ञापन आया हुआ है और इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विषय अंतर्गत वन रक्षक के पद पर खेल कोटा अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन दो प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है और आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों वन मंडलों में खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीणता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 28/12/2021 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूपों में कालम 5 में अधोहस्ताक्षरित के पते पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाए। कार्यालय में सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये पद राज्य स्तर के हैं तथा इन पदों पर नियुक्ति चयन की कार्यवाही गठित समिति की अनुशंसा पर संबंधित जिला वन मंडल के सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। चूँकि यह भर्ती खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत संपन्न की जा रही था, इस विधा के अभ्यर्थी के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञों के निर्देशन में कराई जाएगी तथा उन्हीं विशेषज्ञों की अनुशंसा पर चयन क्रम का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीणता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है और इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर खेलों का नाम देख सकते हैं, बैडमिंटन के लिए महिला में एक पद और टेबल टेनिस के लिए पुरुष में एक पद और एथलेटिक्स के लिए पुरुष में एक पद और यहाँ पर 3 पद देख सकते हैं। एथलेटिक्स में यहाँ देख सकते हैं 200 मीटर दौड़, 1000 मीटर पैदल चाल और शक्ति तोलन में पुरुष के लिए 66 किलोग्राम वर्ग में और शक्ति तोलन 74 किलोग्राम में और क्रिकेट में 1 है ऑलराउंडर ऑफ स्पिन प्लस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों की जानकारी, पुरुषों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर वन रक्षक के लिए 8 पद और महिला के लिए 1 पद, यानी टोटल कुल 9 पद यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान देख सकते हैं 19,500 से 62,000 रुपये तक और डिटेल की बात करें शैक्षणिक अर्हताएँ, मान्यता प्राप्त से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक अर्हताएँ देख सकते हैं, पर 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना होगा और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा और शारीरिक माप देख सकते हैं, ऊंचाई पुरुषों के लिए 163 मीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर सॉरी और सीना सामान्य देख सकते हैं 79 सेंटीमीटर और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर और सीने के फुलाव दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर। नियम एवं शर्तें देख सकते हैं, आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो और चयन परीक्षा देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का संग प्रतियोगी परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र देख सकते हैं, सूचना पृथक से दी जाएगी, निवासी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और देख सकते आवेदन पत्र के लिफाफे में आवेदित पत्र का नाम वर्ग स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 5 रुपये का पोस्टल टिकट चस्पा हो और यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यह शर्त अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो इस सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, आपको इसी प्रकार भर के आपको देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ऊंचाई सीना सीने का फुलाव, यहाँ पर ये घोषणा पत्र आपका रहेगा, यहाँ पर रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र है या नहीं है, हायर सेकेंडरी की अनुसूची प्रति है या नहीं, तो इस प्रकार से ये सारा डिटेल है। दोस्तों, आप लोगों को छत्तीसगढ़ और पूरे इंडिया के नौकरी के बारे में जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।